और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं पालमपुर, जहां पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस समय दौरे पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की जा रही है। जहां मैं लोगों में गया, लोगों का कहना था 1988 में ऐसा भयंकर तांडव मचा था और उसके बाद 35 साल के बाद 1988 ये हो गया 45 साल के बाद फिर से वैसा तांडव मच रहा है और नुकसान इससे तो हुआ है, डैम से तो नुकसान हुए हैं। हमने पन बिजली प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो रिजर्वेयर हमारे बने हैं वो और उनसे जो पानी छोड़ा गया है वो इतना बड़े पैमाने का पानी है और ख़ास तौर पे जहाँ नज़दीक की पंचायतें हैं वहाँ तो बहुत ही नुकसान हुआ है। इसीलिए नीचे तो बोट वगैरह भी डाल दिए गए, ऊपर तो हेलीकॉप्टर से ही लोग निकालने पड़े और लोगों के खेत बह गए, मवेशी बह गए और साथ में इसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ डटे रहे कि हमारे पशु हैं यहाँ पे, हम यहीं पे रहेंगे चाहे बहना ना पड़ जाए। साथ ही लोगों ने क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगा के वहाँ पे वो बनाए हुए हैं, कुछ लोगों का ये कहना था कि हमने मालिकों से ज़मीनें ले रखी हैं, अब मुआवजा मालिकों को मिलेगा, नुकसान हमारा हुआ है और तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि लेकिन दो तीन फैक्टर्स तो हिमाचल को लेके निश्चित तौर पे है। एक तो ये जो डैम्स हैं, डैम्स को लेके पहले भी चर्चाएं होती रही हैं और अब भी चर्चाएं हो रही हैं। नेशनल हाईवेज भी एक इशू बिल्कुल सामने आया है कि जैसे कुल्लू मनाली पूरा नेशनल हाईवे बह गया और मंडी से आगे बहुत बुरा हाल है और मुझे लगता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो है नेशनल हाईवे की रिपेयर में लगेगी और ख़ास तौर पे हमारा जो है कालका शिमला कभी बंद नहीं हुआ था जब तक टू लेन था, जब अब फोर लेन हुआ और वहाँ पे भयंकर जो है ऊपर से पहाड़ आए हैं, पहाड़ों का कटान इस तरीके से हुआ कि क्योंकि जिन कंपनियों को ये काम मिला था, मैंने जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तब हमने इनको नोटिस भी भेजा था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कटान किया है, एक तो सड़क के लिए जो पत्थर चाहिए था वो भी उसी पहाड़ से निकाला, एक जो साइड पे रेलिंग लगनी थी उसके लिए भी वहीं से पत्थर निकाला, एक जो नीचे डंगा लगना था उसके लिए वहीं से निकाला और फिर उसके बाद और पत्थर निकाल के उसको बाहर की सड़कों के लिए बेच दिया और इसलिए वहाँ पे इतना ज़बरदस्त कटान हुआ है पहाड़ों का। और वहाँ हिमाचल के पहाड़ तो अभी शैशव काल में है, कच्चे पहाड़ हैं और इसलिए वहाँ पे लगातार इतनी जगह मलबा नीचे आया है कि उसको भी उठाते हुए इसमें लग जाएगा, तो ये लगभग हर नेशनल हाईवे के पास नज़र आ रहा है। थर्ड जो है नदियों का कारण तो है ही है कि लोग नदियों में भी बसे हुए हैं और पहले तो लगता था कि कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अब जो है नदियां जो है पूरे उफान पे जब आई हैं और मकान भी गए हैं, गाड़ियां भी गई हैं, इंसान भी गया है और इसीलिए जो है 350 से ज़्यादा तो डेथ्स हो गई हैं और 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। आप देखें कि शिमला में जो शिव मंदिर है वहाँ पर बादल फटा और बादल फटने से जो है 17 बॉडीज तो अब तक निकल चुकी हैं। ऐसे ही हमारे जो है फागली में पेड़ गिरे बिल्डिंग के नीचे, उसमें जो है 5 लोगों की डेथ हो गई। सोलन के मबलीग में 7 लोगों की जान एक मुश्त ही चली गई। आप सिरमौर में देखें वहाँ पे एक परिवार के 5 लोग जो है मकान के नीचे दबके मर गए और मंडी के पराशर में 6-7 लोग जो है जमीन में धंसने की वजह से मकान के उसमें चले जाने से वहाँ भी 5-6 लोगों की डेथ हो गई। ऐसे ही हमारा पुलिस का बल था चंबा में, 6 लोग बटालियन के उसमें मारे गए, एक और व्यक्ति उनके साथ था। तो ये जगह जगह ह्यूमन लॉस बहुत है। वो जो बस कुल्लू में पहले उसमें पंजाब रोडवेज की बस थी उसके कितनी सवारियां बाद में जो है मिल रही हैं, तो इसलिए लगातार प्रदेश में जाने भी गई हैं, पुल चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं और इनका निर्माण हो सकता है, लेकिन जो एरिया ही धंस रहे हैं
जो सिंक कर रहे हैं, जो नीचे तक जा रहे हैं, ये तो एक नई वो दिक्कत खड़ी हो गई कि वो खिसक के जो है नीचे आ रहा है वहाँ, और फिर उस पे जो बाकी लोग हैं उनको वहाँ से हटा। तो मुकेश अग्निहोत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो चिंता ये है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ हैं उन्हें बाल अवस्था में कहा जाता है, हिमालयन रेंज में ये पहाड़ आते हैं, हर साल 1 फीट के मुकाबले ये जो पहाड़ हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो आधारभूत ढांचागत संरचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खिसक जाती है, ऊपर से जब मानसून होता है लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड की सबसे बड़ी वजह ये है, और हिमाचल प्रदेश के बहुत से पहाड़ ऐसे हैं जहां पर चट्टाने कम और साथ ही जो चिकनी मिट्टी है वो ज्यादा है, जो बारिश में फूल भी जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी इस समय तबाही है और कितनी इस समय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और ये जो सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के साथ है इसका कोई स्थायी समाधान निकाल पाना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर नजर आ रहा है।